भाई देखो कितने दिनों के बाद आया, एक नादी तीन तीन डेड बॉडियां इकट्ठी पड़ी है ना इस वैसवाइल नहर के अंदर, तीन डेड बॉडियां इकट्ठी देखो क्या हाल हो रहा डेड बॉडी का। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम आसिम मलिक, मैं गुप्ता हूँ पटियाला पंजाब से। माफ़ी चाहता हूँ, आप कहते हो कि काफ़ी लंबे लंबे समय के बाद आ रहा हूँ और कमज़ोरी आप देख रहे हो कितना बीमार हो रहा हूँ मैं, पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि जो नहरों की जानकारियाँ और भी कोई संबंधित जानकारी जो आप तक नहीं पहुँच रही बहुत ज़रूरी है जो आप तक पहुँचानी है, तो आज मैं उसके लिए निकला हूँ। बारिश का मतलब पूरा मौसम होया पड़ा, हल्के हल्के छींटे बूंदाबांदी चल रही है, सूरज निकल नहीं रहा है और हम अपने काम के लिए अंबाले के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि आज हमें वहाँ कोई डेड बॉडी मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हम डेड बॉडी काम के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना और वीडियो के अंत तक बने रहना, हम इस टाइम चल रहे हैं आगे के सफर पर, जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे और वीडियो के एंड में बात करेंगे, जो भी बात करेंगे वीडियो के अंत में जरूर हम बताएंगे। तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं, बाकी बातें मिलेगा तुम्हें। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इस टाइम जुनसुई हेड पे और यहाँ आप देखते हैं कोई डेड बॉडी है कि नहीं है। ये साथ साथ दो नहरें चलती है, एक एस वाई एल है, एक नरवाना ब्रांच लिंक नहर है। आज उधर देखते हैं सामने यार, बड़ा बहुत काफ़ी दिनों के बाद आया ना, तो मेरे से बोलना नहीं जा रहा है, कभी आप ये ना सोचना कि ये शख्स बात कैसे कर रहा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ ना, तो इस करके बोलना नहीं जा रहा, शरीर से शरीर कमज़ोर है बहुत। कूड़ा करकट काफ़ी जमा हुआ है, एक बार उस साइड देख लेते हैं। ये साथ ही एस वाई एल नहर भी साथ साथ चलती है ना, दोनों नहरें इकट्ठी चलती हैं। बहुत तेरी एस वाई एल का तो बहुत बहुत तेरी, एक दो तीन, ए मेरे मालिक मेरे रब, क्या बुरा हाल हो रहा है। भाई देखो कितने दिनों के बाद आया, एक नादी तीन तीन डेड बॉडियां इकट्ठी पड़ी है ना इस वैसवाइल नहर के अंदर, तीन डेड बॉडियां इकट्ठी देखो क्या हाल हो रहा डेड बॉडी का। तो काफी दिनों के बाद आया दोस्तों, पर बोला नहीं जा रहा कहते, लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, एक नादी तीन तीन डेड बॉडियां इकट्ठी पड़ी है इस नहर के अंदर, देखो आपके सामने एक नादी तीन तीन डेड बॉडियां इकट्ठी नहर के अंदर है, इतना बुरा हाल इस नहर का हो रहा है। एक बार मैं पहली साइड और देख लूं, मैं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और वीडियो के एंड तक बने रहना, आज पूरी कहानी इसके बारे में बताऊं कितनी डेड बॉडी इस नहर के अंदर पड़ी है। बताओ यार, एक डेड बॉडी ये पड़ी, एक वो पड़ी है, एक वो पड़ी, तीन तीन डेड बॉडी एक नहर के अंदर पड़ी होनी देखो एस वाई एल के अंदर। अब मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ, एक बार मैं वहां सामने खड़ा हूँ, अब मैं आपको पूरी डिटेल और पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा इसके बारे में। भाई डेड बॉडी की बहुत बुरी कंडीशन हो रही है, अब मैं विस्तार से बताऊंगा, एक बार मैं उस साइड खड़ा हूँ सारी बातें बताऊंगा आपको मैं, क्या हाल इन डेड बॉडी का हो रहा है। बेटा उधर आया सामने वहाँ बताएंगे, सांस नहीं आ रहा, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो दोस्तों मैं विस्तार से बता देता हूँ, तीन डेड बॉडियाँ पड़ी जिसके अंदर दो डेड बॉडियाँ बिल्कुल हल्फ नंगी, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। उम्र मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी गहराई है, क्योंकि मैं एक महीना हो गया लगातार बीमारी से जूझ रहा हूँ, फिर भी अपनी कोशिश करता हूँ काम पे आने की। अब मैं 11 दिन से लगातार हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, फिर अब 11 दिनों के बाद नहर के ऊपर चढ़ाऊँ। जैसे ही मैं नहर के ऊपर चढ़ाऊँ, एक डेड बॉडी ने टी शर्ट एक नीले रंग की एक हरे रंग की ऊपर एक और पैर रखा है और दो डेड बॉडी हल्फ नंगी है, इनकी उम्र और इनका होलिया जो मैं नहीं बता सकता इनकी उम्र कितनी, क्योंकि बहुत नीचे पड़ी हैं और ना ही मेरे पास कोई साजो सामान ऐसा है कि जो मैं आपको बता दूँ कि डेड बॉडी की उम्र कितनी होगी। आप सोच रहे होंगे ये अदना सा ये पागल सा आदमी हमेशा आपको कुछ ना कुछ समझाता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है इसकी बातों से हमारे काम पर? फ़र्क पड़ता है भाई, फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं आपको वो जानकारी देता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी जानकारी होती है, इसीलिए हम ये सूचनाएं आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।
हमारा मकसद क्या है, क्यों हम पागलों की तरह नहरों के ऊपर घूमते हैं, सारी चीजें आपको दिखाते हैं, समझाते हैं इनके बारे में, क्यों हम समाज दिखाते हैं कि समाज हमारे पीछे ऐसे निकल रही है, डेड बॉडी को देख के अनदेखा होकर के निकल जाता है। ये रियल और सच्चाई आज टाइम में खड़ा हूँ। अम्बाला के जनसुई हेड है, अम्बाला जिले के अंदर पड़ता है, हरियाणा के अंदर, और वहाँ पे देखो एक दो तीन तीन डेड बॉडियाँ लगातार कंटिन्यू आपके सामने पड़ी दिख रही हैं। और जो मेरा सफर था देख लो, इतनी दूर तक मैं सफर तय करके आया और मेरे को बीच में इतने लोग मिल रहे हैं, नहरों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, मैं इसलिए कहता हूँ फ़र्क पड़ता है मेरी बातों से कि भाई ये डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, लोग निकल रहे हैं, साथ में से हाईवे निकल रहे हैं, बसें ट्रक मोटरसाइकिल कार हजारों लाखों लोग निकल रहे हैं और इनको अनदेखा करके निकल रहे हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है मेरी बातों से। फ़र्क क्यों पड़ता है मैं वो समझाने वाला हूँ। ये भी किसी का लाल है, किसी का बच्चा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी के घर का सदस्य है, किसी का दोस्त है, किसी का जिगरी यार है, ये तो फ़र्क पड़ता है उनको जिनके घर का गुम है। मानते हैं कि हमें और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जी से पूछो जिसके घर का एक इंसान लापता है। आंखें पथरा जाती उस माँ उस बाप की दरवाजे को देखते देखते जब उसके घर का सदस्य वापस नहीं लौटता। उस पत्नी के जी से पूछो जिसका पति घर से निकल गया। उन बच्चों से पूछो जो अनाथ हो चुके हैं। उस भाई से पूछो, उस बहनों से पूछो जो हमेशा उसको रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। उस बहन से पूछो जो ईदी मांगती थी। उन बच्चों से पूछो जो सुख दुख के साथी थे। उन लोगों से पूछो, फ़र्क उनको पड़ता है, हमें नहीं पड़ता, यही है ना। तो इसीलिए मैं बार बार ये पागल साथ मस्त आदमी इसीलिए बार बार आपको समझाते रहते हैं कि आज के टाइम पे कोई अहमियत नहीं रहेगी इंसानियत की। इतना बुरा हाल है, देखो आप एक बार कैमरा घुमा दे बैठे, ये रोड है चलता हुआ, महस रोड के 10 कदम की दूरी के ऊपर ये तीन डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, डिस्प्ले के ऊपर ये नंबर चल रहा है, आप मेरे संपर्क कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो मैं इसकी फ़ोटो भी आपको डाल सकता हूँ। अगर मेरे भाई किसी का गुम है, मोहाली, पंचकूला, जीरकपुर, बनूड, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सॉरी अम्बाला, राजपुरा, पटियाला, सरंद, रोपड़, नंगल, कीरतपुर, भरतगढ़, आनंदपुर साहब, लुधियाना, जलंधर से इस आसपास के एरिए से कहीं से भी गुम है, तो यहाँ आके मैं फिर जगह का नाम बता रहा हूँ। ये SYL नहर है, डांगरी नदी का पुल है, जनसुई हट के बिल्कुल नज़दीक, अम्बाला जिला, हरियाणा के अंदर। और यहाँ पे देखो ये डेड बॉडी तीन पड़ी हैं। अगर मेरे भाई का किसी का गुम है, डेड बॉडी का मैं कंडीशन बता सकता हूँ सिर्फ इतनी कि डेड बॉडियाँ एक महीने के अंदर अंदर की हैं तीनों, ज़्यादा पुरानी है, एक महीने के अंदर अंदर की तीनों डेड बॉडियाँ हैं। और चलता हुआ रोड है, चलता हुआ है, लोग निकल रहे हैं, सब अनदेखा करके निकल रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर कर दें। देखो आपके पास बहुत वाहिया चीज़ें आती हैं शेयर करने के लिए, आप बहुत सी वाहिया चीज़ों को शेयर करते हो, एक बार मेरे कहने से वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये जो बेचारे इस नहरों के अंदर पड़े हैं अपने घर परिवार तक पहुँच जाए। और सरकार की भी आके खुल जाए, प्रशासन की भी, महज इतनी दूरी पर रोड के पास से इतनी नज़दीक ये तीन तीन डेड बॉडियाँ पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं उनकी। भाई हरियाणा सरकार के कानों तक ये बातें बता दो, तीन डेड बॉडियाँ पड़ी हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, डिस्प्ले के ऊपर ये चल रहा है, फोटो मैं आपको डाल दूंगा सबूत के तौर पर। अगर कोई कहता है कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी नहीं है, सबूत के तौर पर फोटो डाल दूंगा, भाई आप मेरे से फोटो ले सकते हो। तो भाई मेरी अगर बात बुरी लगे तो उसके लिए हाथ जोड़ के समझ आता हूँ। आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, कल फिर एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। अलविदा। एक लड़का नौजवान जो रात के टाइम तकरीबन 3 बजे नहर के अंदर छलांग मार के अपनी साइकिल को खड़ा करते हैं।